मेरे मामू में तो रही अती तेरी रे, मेरे मामू में तो रही अती तेरी रे, मेरे मामू में तो रही अती तेरी रे, मेरे मामू में तो रही अती तेरी रे। सरकार के सदके में पूरा हो, रोड गद्दी से दुआ करते हैं। जितने भी सवाली आए हुए हैं सबके लिए दुआ करते हैं। और जो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी दरबार में पहुंच जाएं, हमें किसी यहां पर कहीं भी पहुंचाने वाले हमारे इष्ट देवी देवता हैं। जी जी, उनकी मर्जी है तो हम घर से चलकर आते हैं, कोई किसी को लेकर आने वाला नहीं। तो जितने भी दरबार सहारनपुर में इस वक्त मौजूद हैं और जितने मौजूद नहीं हो सके, उन सब के लिए सरकार मामू साहब प्रभु जी दरबारी होड़ से दुआ करता हूँ। सबके आंगनों में खुशियाँ रहें। और एक हिदायत भी देता हूँ, जो हमारे बाबा प्रभुदयाल मेरे गुरु श्री रामपाल जी बोलते हैं कि अगर कमाना है तो पैसे से पहले अपनी औलाद कमा लेना। क्या बात है, वाह वाह। क्यों कमा लेना? वाह वाह। क्योंकि आज के दौर में हम जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम सभी हम बच्चों के लिए भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है बाप कर रहा है, माँ भी कर रही है और बाप भी कर रहे हैं। एक हिदायत है सबके लिए कि आज के समय में नशे का दौर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर समझोगे इस बात को, क्योंकि आगे जाकर याद होगी। बच्चा कुछ मांगता है तो उसकी ख्वाहिशें जरूर पूरी करो, लेकिन इतनी जल्दी पूरी ना करो कि उसके अंदर सब्र खत्म हो जाए। दो उसको चीजें, क्योंकि उन्हीं के लिए कमा रहे हैं हम। आज के दौर में रिहोड़ गद्दी में 8-8, 10-10 घंटे में नंबर आता है लोगों का, तो सैकड़ों हजारों केस ऐसे हैं जिनके पास धन तो बहुत है आज, लेकिन उनके पास खर्च करने वाली औलाद नहीं। बच्चों की ख्वाहिशें जरूर पूरी करो। माँ लाड लड़ा रही है तो बाप सख्त है, बोलते हैं ना डरता है बाप से, बेशक होना चाहिए ऐसा। बाप जो एफर्ट करके अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं ना, वो डांटता इसीलिए क्योंकि वो बाहर देख रहा है, माँ बाहर नहीं देख रही। माँ भी अपना कर्म पूरा कर रही है, बाप भी अपना कर्म पूरा कर रहा है, लेकिन आप जितने भी परिवार के सदस्य हो, आप देवी को मानते हो, देवता को मानते हो, पीर को, भगवान की कोई जात नहीं होती। अगर जात होती तो हम सभी यहाँ पर सरकार मामू जी की महफिल में ना होते। हमें सौभाग्य, क्योंकि भगवान ना किसी जाति को मानता है, ना किसी मानता है धर्म को, उसको तो सबका बेड़ा पार करना है। और आज महफिल में उसी को बुलाया जिसकी ज़रूरत थी आज, और जिसका सवाल सरकार ने सदके में पूरा करना था, ये सब्र पाने के लिए नहीं। और रिहोड़ गद्दी बाबा प्रभु दयाल जी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने धूने पर लगा दिया। आज ये जो लिखा हुआ है ना प्रभु जी दरबार, ये सब उन्हीं की बदौलत है। आज छठी पीढ़ी में हमें मौका मिला है आप लोगों की सेवा करने का। रिहोड़ दरबार में ना पहले पर्ची कटती थी, ना आज पर्ची कटती है, और ना आगे पर्ची कटेगी। तो
सबसे अहम सूचना यही है, काम तो हो जाएंगे, काम बड़ी चीज नहीं है, सबके दुख सबसे बड़े हैं, किसी का दुख छोटा नहीं है, बस ये सूचना लगा लो, संदेश लगा लो, अपनी औलाद को जरूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि औलाद बिगड़ी हुई दोबारा नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग धन तो इकट्ठा करो उनके लिए, लेकिन कमाया हुआ एक पल में खत्म कर देंगे वो। औलाद कमा लिया तो सब कुछ कमा लिया। और उम्मीद है आप सभी लोग अपने बच्चों की तरफ जरूर ध्यान देंगे, और कभी ये मत बोला करो कि मैंने अपने माता पिता को रखा हुआ है, किसी की औकात नहीं है अपने माँ बाप को रखने की, उन्होंने हमें रखा हुआ है। जो माँ बाप के ना हुए, गुरु के ना हुए, वो भगवान उनको चुनता नहीं है, दुत्कार देता है। और कुछ लोग यहाँ पर, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने नाम दाम लिया हुआ है, मेरी बात नहीं उनसे, एक दो इंसान के मन में ये शंका है कि हमारे गुरु तो नाराज नहीं हो जाएंगे, परेशानी बहुत है उनको। मैं सिर्फ शक्ल देखी है, मैं बात नहीं की कि हमारे गुरु नाराज तो नहीं हो जाएंगे, अगर उनकी इच्छा ना होती तो पत्ता ना हिलता, इच्छा थी तो पहुंच गए, उनको पता था कि मैं इतनी भीड़ में नहीं मिल सकता रूबरू, इसलिए भेज दिया ऊंचे पर, जो हमारे गुरु का अपमान करे हमें वहां पर जाना नहीं चाहिए। और यही हमारे उम्मत के राजा बाबा प्रभुदयाल जी सिखा कर गए हैं, और आज हमारे गुरु रामपाल जी सिखा रहे हैं। तो उम्मीद है अपने बच्चों को सेव कीजिएगा, और आने वाली जिंदगी में सब काम होंगे, लेकिन माँ बाप की सेवा जरूर करना, गुरुजनों की सेवा जरूर करना, देवी देवताओं की सेवा जरूर करना, क्योंकि उन्हीं की इशारे से तुम यहाँ पहुँचे, वो इशारा ना करते तो हम यहाँ ना पहुँचते। और यहाँ भी अगर देवी देवताओं को ध्यान लगाकर देखोगे तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि भगवान तो दिल में होता है, ये शैतान होता है, ये व्यापार है और ये भगवान है। हमेशा याद रखना, कभी भी रिश्ते नाते में दिमाग का इस्तेमाल मत करना, ऐसे ही खराब होते हैं। रिश्तों को बरतो मत, गाड़ियों को बरतो, ख्वाहिशों को पूरा करो वाहनों से, ये जो चीज़ें बनाई हैं ना इंसान ने, लेकिन जो खुदा ने रिश्ते बनाए हैं उसको बरतो मत, उससे मोहब्बत कीजिए। जय प्रभु जी की, सभी की दुआएं कबूल हो, और हमारे कवाल जी से ऐसे निस्बत लगी रहे। जय कराम, हम सरकार।